नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आशीष सैनी और आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं कि एक और सिनेरियो है। एक यंग लड़का है, 20-22 साल का, पतला है और पहले दिन वो जिम में गया। तो जिम में जो है उसको पहले बार बताया जाता है कि भाई अगर आपको ये बॉडी बनानी है तो आपको ये प्रोटीन मिलेगा, ये प्रोटीन लेना पड़ेगा। आपने कई सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि एक पतला सा दुबला सा कोई घर में देवर है या कोई लड़का है और उसको बोला जाता है कि भाई आपकी जो बॉडी है उसमें आप ये प्रोटीन पाउडर लीजिए और इससे जो है आपके जो है शरीर में जो है वो भर जाएगा और जो उसके अंदर है वो आप बेटर लगोगे। तो इन सब के बारे में जो है आज चर्चा होगी। बने रहिए इस चैनल के साथ और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, स्पेशली विचार जिनका कि मेन जो कंसंट्रेशन है वो प्रोटीन पे है। कोई बोलता है प्योर वे है, कोई बोलता है कि नहीं इसमें केजिन प्रोटीन है, किसी में सोया प्रोटीन है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, माल्टोस है, डेक्सट्रिन है, उनमें मिला होता है और वो मार्केट के अंदर हमें बताया जाता है कि प्रोटीन डाइट जो है वो बहुत फायदेमंद होती है, प्रोटीन से मसल बनती है और अगर हम प्रोटीन ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट कम कर दें तो वेट लॉस भी होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वेट लॉस होता है अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं तो वेट लॉस होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये सस्टेनेबल डाइट है, तो इम्पॉर्टेंट है, और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है किडनी पे। तो जो मैक्सिमम अभी एक शोध हुई शिकागो में और उसमें ये पाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में कि वेट लॉस तो हुआ पेशेंट्स में, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर वेट लॉस 5 से 6 किलो हुआ 6 महीने के बाद जब उन्होंने ये एटकिन डाइट ली। एटकिन डाइट में यही होता है कि आप प्रोटीन लेते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और आप फैट भी कम कर देते हैं, इससे वेट लॉस तो होता है लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो हमारा प्रोटीन है वो किडनीज में जाता है और किडनी में जब वो प्रोटीन जाता है तो वो प्रोटीन किसी भी वजह से जब हमें जितना ज़रूरत है शरीर को उतना ही, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई उतना ही शरीर के अंदर रहेगा, बाकी जो होगा वो बाहर चला जाएगा। तो प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से नेफ्रोपैथी होने लगती है और एक जिम नेफ्रोपैथी करके एक नई टर्म आई है कि जिम डाइट की वजह से जिम नेफ्रोपैथी होती है, जिसमें क्रिएटिनिन अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर आपके किडनी फंक्शन ठीक है तो शुरू में आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन अगर किडनी फंक्शन खराब होने लगते हैं तो ये जिम नेफ्रोपैथी होती है और वो क्रिएटिनिन जो आप ले रहे हैं मसल बिल्डिंग के लिए वो आगे प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। दूसरा है कि प्रोटीन जब हम ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन लेने से, एनिमल प्रोटीन लेने से या फिर सिंथेटिक प्रोटीन लेने से भी हमारे किडनी में स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेफ्रोकैल्सिनोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा प्रोटीन लेने से बहुत ज़्यादा एसिडिक जो है वो यूरिन बन जाता है और उस एसिडिक यूरिन में यूरिक एसिड स्टोन्स बहुत जल्दी बनते हैं। प्यूरिन्स की वजह से वो यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं बहुत जल्दी बनते हैं ऐसे पेशेंट्स में। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जब हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो हमारी यूरिन के अंदर साइट्रेट की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। और साइट्रेट क्या काम करता है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, इनका लिंक इसमें हम शेयर करेंगे, आप उनको देख सकते हैं। साइट्रेट जो है वो हमारी बॉडी में एक स्टोन इनहिबिटर है, इसलिए कई सारे जो सिरप होते हैं किडनी स्टोन के उसमें पोटेशियम साइट्रेट होता है। तो साइट्रेट की जो मात्रा होती है वो पुरुषों में महिलाओं से कम होती है और अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हैं ऊपर से तो प्रोटीन क्या करता है कि साइट्रेट की मात्रा यूरिन में कम कर देता है। तो प्रोटीन ने क्या किया, एक तो कैल्शियम को भी बढ़ा दिया, ऑक्सलेट को भी बढ़ा दिया, प्रोटीन से फॉस्फेट स्टोन्स भी बनते हैं और साइट्रेट कम हो जाता है तो स्टोन्स के इंसिडेंसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम नेचुरल वे में प्रोटीन को लें, सप्लीमेंट उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि हमें ज़रूरत है। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, आपकी भाई आमदनी जो है वो उसकी वजह से होती है, आपकी मतलब हॉबी नहीं है रादर आपका प्रोफेशन है, तो हर प्रोफेशन के अपने रिस्क होते हैं। कोई रग्बी ड्राइवर होता है, कोई मतलब रेस होता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे ही बॉडी बिल्डर्स के साथ भी है। अगर वो कर रहे हैं ये तो दे नो द रिस्क एंड बेनिफिट, बट अगर आप पहली बार जिम में जा रहे हैं तो कृपा करके ये सब चीज़ें मत करिए। ये है दूसरा वीडियो जनहित में जारी कि भाई इससे आपको भारी क्षति हो सकती है और हो सकती है गुर्दों की बीमारी।